लिटरली लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताइवान। भाई सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पे ये क्या बेच रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा यार। काला काला क्या है, उसके ऊपर अंडा है। यहाँ पे ताइवान में वही सिस्टम लग रहा है मेरे को जापान का ऐसा। भाई जैसे ही मेट्रो आती है सारे लाइन से खड़े हो गए भाई, देख सकते हो आप लोग। और जब आप यहाँ पे ताइवान में घूमोगे ऐसा लगेगा कि भाई आप लोग एक्चुअली चाइना में हो, बट एक्चुअली आप चाइना में हो नहीं। वेलकम टू माई चैनल एवन, मैंने विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनिक। स्वागत है आप लोग का मेरे अगले वीडियो में एंड ऑल्सो अगले सीरीज़ में। तो फिलहाल गाइस मैं लास्ट सीरीज़ ख़त्म करने के बाद मैं इंडिया गया था, और इंडिया जाने के बाद कुछ अराउंड एक हफ्ता अराउंड रुक कर मैंने जितने भी थोड़े बहुत वीज़ा के काम थे वो वीज़ा करके फिर मैं अभी शुरू हुआ हूँ फिर से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में एंड नेक्स्ट सीरीज शुरू करने के लिए। एंड दिस टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन एशिया अगेन। इसके पहले जापान और मंगोलिया रशिया करने के बाद फिर से हम लोग एशिया के तरफ आ चुके हैं गाइस। मैंने भाई फ़्लाइट ली थी वियटजेट की, जो कि थी दिल्ली से होचिमिन और होचिमिन से तपई, जो कि मुझे सबसे सस्ती फ़्लाइट मिली दिल्ली से। ताइवान अगेन एक ऐसी कंट्री गाइस जिसके बारे में सभी ने सुना है बट पता बहुत कम लोग को है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न अगेन मेरे को वो कंट्री बहुत फैसिनेट करती है। तो ताइवान जाने के लिए भाई आपको इंडियंस को ऑनलाइन वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा तो नहीं होता एक्चुअली, हांगकांग का जैसा इनको ताइवान के लिए भी हमको ट्रैवल ऑथराइजेशन मिलता है। तो मैंने भी वो अप्लाई करा था एंड उसमें लिटरली लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताइवान। भाई यहाँ पे ये एयरलाइन देखो यार, यार ये एवा एयर है, ये भी यहाँ पे साउथ एशिया में आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। और ये एयरलाइन देखो यार, ये देखो यार, ऐसी एयरलाइन अगर हम इंडिया में बनाने लगे तो भाई लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। भाई आपको एशिया में ये चीज़ आप लोग काफ़ी देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर आप जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये सारे कंट्रीज में, ताइवान में भी मैंने सुना है, यहाँ पे लोग ये क्यूट क्यूट चीज़ें इतना इस्तेमाल करते हैं ना हर जगह में। हमारी सीट है भाई 15 है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग तपई ताइवान, और अभी फ़िलहाल भाई हम लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो भाई देखते हैं कैसा रहता है इमिग्रेशन प्रोसेस। यार हम लोग तपई का जो इमिग्रेशन है वो कंप्लीट करके भाई बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे भाई हम लोग ने सिम लिया है, और कौन सा सिम था भाई, कुछ चुंगवा टेलीकॉम का सिम लिया है। और बाकी अगर बताऊँ तो भाई पूरा इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था। जब आप क्या बोलते ताइवान का जो ट्रैवल ऑथराइजेशन कार्ड लेके आते हो आपको 14 डेज का यहाँ पे स्टे मिलता है। आप मल्टीपल एंट्री कितने बार भी आप जा सकते हो, बट एक एंट्री में आपको बस 14 डेज का स्टे मिलता है। तो यहाँ पे भाई हम लोग ने कैश निकाला एटीएम से, और कैश भी दिखा देता हूँ भाई आप लोग को मैं। ये भाई देख लो भाई, ऐसी है यहाँ पे ताइवानीज डॉलर, इसको ताइवानीज डॉलर बोलते हैं, देख सकते हो भाई आप लोग। यहाँ पे है ये मेट्रो जहाँ से भाई हम लोग अभी ट्रेन लेने वाले हैं, और ट्रेन लेके भाई हम निकलने वाले हैं अभी सेंटर की तरफ मेरे होस्ट के घर पे। मेरे को एक्चुअली काउच सर्फिंग से होस्ट नहीं मिला यहाँ पे, बट एयरबीएनबी का होस्ट है जो जिसके घर पे हम लोग फिलहाल अभी यहाँ से जा रहे हैं। हेलो, आई नीड टू बुक टिकट, आई शुड बुक द टिकट हियर इनसाइड द मशीन। ओके थैंक यू। तो यहाँ पे भाई हम लोग अभी खरीद लेते हैं कार्ड यहाँ पे मेट्रो के लिए, परचेज कार्ड। और यहाँ पे मैंने पूछा, अभी ये बोल रहे हैं यहाँ पे दो कंपनी मिलती है, इजी कार्ड और आई पास, दोनों सेम ही है बट कंपनी अलग अलग है। तो इन्होंने बोला कि इजी कार्ड खरीदने के लिए ज़्यादा फेमस है, तो इजी कार्ड ले लेते हैं 500। ये भाई हमारा आ गया मेट्रो कार्ड, आ गया भाई। हाँ जी, ओए होए होए होए, क्या बात है भाई साहब, ये देख लो भाई 500 मतलब कुछ अराउंड बोल सकते हो 1000-1200 रुपये तक। और अभी भाई ये यूज़ करने वाले हम लोग यहाँ पे मेरे होस्ट के घर जाने के लिए, और यहाँ पे अगर ऐसे वेंडिंग मशीन देखने को मिल जाएंगे जैसे जापान में मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो ये भाई आ गई हमारी ट्रेन, मेट्रो ट्रेन एयरपोर्ट लाइन की। तो भाई ऐसे यहाँ पे भाई ट्रेन काफ़ी सिमिलर सा, आई थिंक हमारा दिल्ली में जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन होती है वैसे सिमिलर सा ही है, काफ़ी सिमिलर जो यहाँ पे माहौल है, स्टेशन भी काफ़ी सिमिलर सा लग रहा है मेरे को देखने में। बताना आप लोग भाई कि आपको कैसा लग रहा है ये। भाई ये ट्रेन तो मुझे एग्जैक्टली पूरी जापान मेट्रो की कॉपी लग रही है यार, जो यहाँ पे जो ऐड देख रहे हो आप लोग, ये ऐड भी भाई एग्जैक्टली सेम ऐसी होती है भाई जापान। भाई तो फाइनली यार मेरे होस्ट के घर पे आया हूँ मैं अभी फ़िलहाल, देख सकते हो, और मेरे टैक्सी ड्राइवर ने मुझे छोड़ा। और आज तेपे में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है भाई, समझ नहीं आ रहा। मैं टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था, वो कह रहा है कि भाई लास्ट के एक साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी आज बारिश हो रही है। ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया नहीं आप लोगों, क्योंकि यार
रात का टाइम था और मैं बस टैक्सी और मेट्रो में चलते बस आ जाऊँ। हेलो, हाउ आर यू? या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। वेरी वेरी रेनिंग, इज इट रेनिंग ऑल डे लाइक दिस? दैट्स बीन आफ्टरनून। आफ्टरनून? इट इज आई वांट रेनिंग। ओके ओके। One coffee. Did you need a black coffee or black, the black coffee? Black coffee, bigger or small? Small. How do you make? Okay. Thank you. Thank you. तो आज गाइस यहाँ पे हमारा दूसरा दिन तपे में। कल रात को आया था मैं मेरे होस्ट के पास, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी भाई कल, क्या बताऊँ। अभी जो बारिश थोड़ी थोड़ी थोड़े टाइम के पहले रुकी है, जो मौसम है बाहर पूरा क्लाउडी है। बट फिलहाल गाइस मैं जैसे ही मेरे होस्ट के घर से बाहर निकला, समझ ही नहीं आ रहा यार क्या खाऊं, यहाँ पे सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है। और एक रेस्टोरेंट गया तो भाई मुझे लिटरली समझ नहीं आया कि भाई क्या बेच रहे हैं वो लोग, और उनको इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती थी। तो यहाँ पे भाई सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ताइवान में यहाँ पे 7-Eleven भी है। और यहाँ पे मैंने भाई चिकन बॉल लिया, चिकन टोफू के साथ बॉल है। और यहाँ पे भाई एक पानी का बॉटल लिया है, और इसके लिए भाई कुछ हमने पे करा कुछ 100 New Taiwan dollar, जिसको अगर मैं कंपेयर करूँगा तो कुछ अराउंड आई थिंक 250 रुपये तक कुछ प्राइस है। बट यहाँ पे 7-Eleven जो है वो इतना ज़्यादा सिमिलर है जापान में जो देखा था मैंने। और यहाँ पे जैसे जापान में यहाँ पे हॉट फूड मिलता है, यहाँ पे हॉट फूड भी है, एंड यहाँ पे जितने भी ब्रेकफास्ट के आइटम है सारे वो ही मिल रहे हैं यहाँ पे। भाई सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पे ये क्या बेच रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा यार। अंडे के अंदर आई थिंक ये शायद सोया सॉस होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक, पता नहीं यार काला काला क्या है, उसके ऊपर अंडा है। एंड ये सारे लोग जितने भी लोग आ रहे हैं मैक्सिमम यही खा रहे हैं, मुझे पता नहीं शायद कोई लोकल डिश होगा, सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये गाइस मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ तपाई ताइवान, ये देख सकते हो आप लोग। ये भाई पूरा माहौल है, शहर है ये, मेन स्ट्रीट जहाँ पे फिलहाल मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे। और ऑथेंटिक जो एशिया में देखने को मिलता है आपको, कलरफुल सारे बिल बोर्ड्स, एंड ये सारा माहौल है गाइस यहाँ पे। अरे भाई साहब ये देख लो क्या मिल गया मुझे, कुनफू ट्रेनिंग सेंटर। अरे क्या बात है भाई साहब, एकदम पूरा माहौल बना रहे हैं भाई यहाँ पे। पूरा एरिया देखोगे आप लोग तो मैक्सिमम हर जगह चाइनीज़ में लिखी हुई है, एंड यहाँ पे ताइवान में बोलते भी भाषा चाइना ही है, चाइनीज़ ही है। जो माहौल है वो उसका उसके बारे में बताऊँ तो काफ़ी हद तक मुझे हांगकॉन्ग की जो वाइब है वो वाली आ रही है। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको जैपनीज़ थोड़ा बहुत कल्चर भी देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी आई थिंक मिक्स है चाइनीज़ जैपनीज़ का। और जब आप यहाँ पे ताइवान में घूमोगे ऐसा लगेगा कि भाई आप लोग एक्चुअली चाइना में हो, बट एक्चुअली आप चाइना में हो नहीं, आप ताइवान में हो भाई। तो अभी फिलहाल है गाइस हम लोग टैपे 101 एरिया में। जो एरिया है ये दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंगों में आती है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, तो जितने आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो यहाँ पे, ये दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग्स में से आती है, यहाँ पे टैपे 101 जगह का नाम है। तो ताइवान जो है गाइस वो लोकेटेड है आई थिंक साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी के बीच में, बहुत नज़दीक मेनलैंड चाइना के। नॉर्थ के ऊपर है ताइवान के, साउथ कोरिया जापान, साउथ में है फिलीपींस, एंड बीच में पड़ता है ताइवान। छोटा सा कंट्री है, बहुत सारे जैसे मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में कहा था, बहुत सारे लोगों ने सुना है इस कंट्री के बारे में, बहुत कम लोग को एक्चुअली पता है कि ये ताइवान में क्या होता है, क्या चलता है, कैसे कल्चर है, कैसे फूड है। ऐसे ही बताऊँ तो ताइवान का जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है चाइनीज़ कल्चर से। बात करें यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर, दो यहाँ पे लोग चाइनीज़ बात करते हैं, बट यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है चाइना से। बहुत सारे लोग सिमिलर सा ही समझते हैं ताइवान को, बट नहीं गाइस, ताइवान बहुत अलग है चाइना से। ताइवान का ये है कि यहाँ का पासपोर्ट ताइवान का अपना होता है, एंड यहाँ के जितने भी गवर्नमेंट है सारी उनकी अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं कल इमिग्रेशन करके आया था, यहाँ पे मुझे स्टैम्प लगाया उन्होंने, और उन्होंने ऊपर स्टैम्प में लिखा है रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट ब्रैकेट में लिखा है ताइवान। बट अगर आप चाइना जाओगे, मेनलैंड जाना, तो वहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आएगा, यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना आएगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। एंड ये भाई देख लो यहाँ का मेट्रो स्टेशन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टैपे 101, क्या बढ़िया मेट्रो स्टेशन है यार ये। एंड यहाँ पे ये बाइक भी मिल जाएगी, ये तो आजकल दिल्ली में भी आ चुके हैं यार, दिल्ली में भी देखने को मिल जाती है ऐसे बाइक्स। ये जो टावर देख रहे हो आप लोग, ये टॉप 10 टावर्स में आता है, 10th नंबर पे भी आता है फिलहाल देखा जाए तो। नंबर 1 बुर्ज खलीफा, एंड 10th नंबर पे ये वाला टावर आता है। एंड 10th में से आई थिंक 5 से 6 टावर तो यार आई थिंक
चाइना में ही मेरे को दिखे जितने भी टावर है। ताइवान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, मतलब यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप लोग कोई भी अभी पेन ड्राइव नहीं तो मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हो, चिप यूज़ कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो चिप यहीं पे ताइवान में बनी है। बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर्स और चिप इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ताइवान से एक्सपोर्ट होती है चीज़ें। एंड जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर्स आप यूज़ करते हो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि वो ताइवान में ही बनी हुई होगी। भाई यहाँ पे ताइवान में वही सिस्टम लग रहा है मेरे को जापान का ऐसा, भाई जैसे ही मेट्रो आती है सारे लाइन से खड़े होकर भाई देख सकते हो आप लोग, और लाइन से भाई सारे जैसे निकलेंगे उसके बाद फिर ये लोग लाइन से एंटर करेंगे। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जी मैन थिंग एरिया के पास, एंड ये एरिया पड़ता है जी मैन स्टेशन के पास। एंड ये एरिया देख के आप लोग कुछ तो याद आ रहा होगा अगर आप लोगों ने मेरी जापान की सीरीज़ देखी होगी। तो ताइवान है उसको जो जापान ने 50 साल रूल किया था, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न यहाँ पे ये वाला जो जी मैन थिंग एरिया है ये मिनी सिंजुकू के नाम से जाना जाता है। सिंजुकू जो मैंने आप लोग को टोक्यो में दिखाया था वैसा ही सिमिलर सा प्लेस ये वाला भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलग अलग किस्म के लाइट्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग किस्म के जितने भी यहाँ पे कलरफुल स्टॉल्स, कलरफुल दुकान, ये काफ़ी हद तक सिंजुकू जो मैंने आप लोगों को जापान टोक्यो में दिखाया था उसके सिमिलर है। एंड एक्चुअली सिंजुकू को कॉपी करके ही ये वाला शहर, ये वाला एरिया पूरा बनाया गया है। यहाँ पे ऐसे स्टोर आपको काफ़ी देखने को मिल जाएंगे, ये फोटो खिंचाने की स्टोर होती है भाई, यहाँ पे भाई देख सकते हो सारे लोग फोटो खिंचाते हैं। यहाँ पे काफ़ी काफ़ी क्यूट क्यूट से आपको यहाँ पे मुकुट देखने को मिल जाएंगे, ये भाई लगा रहे हैं देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ऐसे भाई यहाँ पे ये देख सकते हो भाई सारे ये मुकुट लगाए हुए हैं, ये लगा के भाई आप फ़ोटो खिंचवाओ, और अगर प्रोफेशनल फ़ोटो खिंचवानी है तो उसके फिर पैसे दो आप। तो ऐसे भाई स्टोर यहाँ पे काफ़ी देखने को मिल जाते हैं यार, ये सारा चीज़ें यहाँ पे आप लोग भाई एशिया में, साउथ एशिया में ही देखने को मिलेंगे यार। जैसे भाई यहाँ पे सनसेट होता है भाई, यहाँ पे जो माहौल है वो और बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भाई सबसे लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हुए मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। क्या कर रहा भाई कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, क्या बोल रहा है वो भी कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे अलग अलग किस्म के स्टोर्स हैं जो आप लोग देख सकते हो, कपड़ों के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, और रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो ये गाइस यहाँ पे ताइवान का मिनी टोक्यो या फिर मिनी जापान जो कि काफ़ी मशहूर है। एंड जब मैं प्लान कर रहा था ताइवान ट्रिप के लिए तब मुझे सभी ने कहा था कि ये वाला प्लेस ज़रूर जाना है भाई, ये बहुत ही हैप्पी प्लेस है। और एक चीज़ यहाँ पर मैंने देख लिया ये, एंड ये फिर यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ आ गया, एक्चुअली पीछे देख रहे हो आप लोग, पीछे से देख रहे हो आप लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है भाई, और सही बता रहा हूँ स्मेल आ रही है, काफ़ी नॉर्मल है, मैं इनके कल्चर को कोई मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पे ये बेच रहे हैं इसका नाम है स्टिंकी टोफू, और ये खाने का सबसे ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही गंदा स्मेल करता है, बट ये खाने में काफ़ी बढ़िया होता है, ऐसे मुझे सारे लोकल जिनसे भी मैं मिला हूँ उन्होंने कहा है मेरे को, बट मैं यार अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा, वहाँ पर मैं था वो स्मेल यार नाक में चली गई है, मुझे लगता है ये स्मेल सूखने के बाद मैं खा पाऊँगा। बट मेरे को एक्चुअली इसका ताइवान में फूड आप लोगों को दिखाना है कैसे यहाँ पे फूड्स हैं, तो उस टाइम पे शायद मुझे ट्राई करना पड़ेगा। तो ये था गाइस मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ तपई ताइवान, जो कि एक्चुअली है चाइना बट चाइना नहीं भी है। यहाँ से मैं एक्चुअली जा रहा हूँ दूसरे जगह पर, एंड वो जगह कौन सा है वो आप लोगों को भाई अगले वीडियो में पता चला है, क्योंकि अगर ये वीडियो में वो सारा कुछ इंक्लूड कर दूंगा तो वह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये वाला वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना, कमेंट करना व्यूज़ क्या आपको कैसा लगा, एंड शेयर करना गाइस, अंटिल देन खुश रहिए, अपने आसपास लोग खुश करिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।